बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और अल्लाह से ही उम्मीद करते हैं आप अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा में। तो मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम नहीं, जिसे मैंने बनाया है सिगार कहते हैं इसे। और इसे मैंने पटाटो और चिकन से तैयार किया है। ये मैंने पटाटो ले लिए हैं, तीन मैंने दरमियाने साइज़ के पटाटो ले लिए जिसे मैंने उबाल लिया था और छील लिया था, मैश कर लिया था हाथों की मदद से। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ले लिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, और ये मैंने एक टी स्पून मैंने साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च मैंने जिसे भून के कूट लिया था। 1/4 टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया, 1/4 टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर, और ये हाफ़ टी स्पून मैंने काली वो कुटी हुई मिर्ची ली है, और मैंने चाट मसाला पाउडर लिया, और ये हरा धनिया ले लिया थोड़ा, और एक मैंने हरी मिर्ची ले ली जिसे मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया, चॉप कर काट लिया था मैंने बारीक, और मैंने इसके अंदर डाल दिया पटाटो में सारे ये मसाले और ये, और थोड़ा सा मैंने चिकन ले लिए थे जिसे मैंने नमक डाल के उबाल लिया था, पका लिया था और मैश कर लिया मैंने इसे, और मैं अब हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं पट्टियाँ ले लेती हूँ। ये मैंने रोल की पट्टियाँ ली हैं, इसे मैं बीच में से सेंटर से कट कर लूँगी। आप चाहें तो ऐसे ही सेंटर में से कट करें, आप चाहें तो फोर कट करके बना सकते हैं। तो मैं ये पहले आपको एक बना के दिखाती हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगी किस तरीके से बनाना है। और ये मैंने लई तैयार कर ली थी, मैदे में थोड़ा सा मैंने पानी डाला और इसे लई तैयार कर ली। देखिए मैंने इसे पटाटो और चिकन का मैंने मिक्सचर उठाया थोड़ा सा, उसे हाथों की मदद से मैंने जैसे हम बनाते हैं ना सीख कबाब, उस तरीके से हमने इसे रोल कर लिया है। अभी इसे मैं लंबी रख रही हूँ, आपको पहले बता दे रही हूँ इस तरह बना के, फिर आप चाहें तो इसमें से बीच में से भी कट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे यूं ही रख सकते हैं। अब देखिए मैंने लई लगाई साइड में, और इसे मैं एक दफ़ा इसे हाथों की मदद से बेल लूँगी इसी तरीके से, और मैं इसे बीच में से कट करूँगी। देखिए इस तरीके से मैं बना लूँगी और मैं इसे बीच में से कट कर लूँगी, क्योंकि ये सीखने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसे फ्राई करने में हमें मुश्किल होगी, तो इसलिए हमने इसे बीच में से कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे ही ऐसे ही रख सकते हैं। अब मैं बीच में से कट करके और दिखाती हूँ, बना के दिखाऊँगी। देखिए मैंने इस तरीके से रखी है, और इस तरीके से मैं लई लगा लूँगी और इस तरह इसे बेल लूँगी हाथों की मदद से इस तरीके से। देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया था गरम करने के लिए, और मैंने ऑयल में ये वन बाय वन डाल दिए हैं, और मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह पकाऊंगी, फ्राई कर लूँगी। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे साइड चेंज कर देंगे। आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, आप चाहे इससे भी ज़्यादा डार्क ब्राउन कर सकते हैं। तो मैं इसे 5 सेकंड और मैं इसे फ्राई करूँगी दरमियानी मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो मैं इसे देखिए मैंने निकाल लिया है सर्विंग प्लेट में, और आप चाहें इसी तरीके से आप इसे सर्व करें, आप चाहें तो इसे रायते के साथ और उससे वो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी रेसिपी आप ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।